नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी कि जब हम होली की शुरुआत करें तो किस प्रकार होली हमारी शुभ हो, यानी शुभता के साथ होली की शुरुआत किस प्रकार करें। दोस्तों, आज का जो विषय है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु हाँ, उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जो भगवान को हृदय की गहराइयों से चाहते हैं और जो अपने शुभ कार्य और छोटे बड़े जो भी उनके कार्य हैं, सबसे पहले वो अपने इष्ट देव को, आराध्य को याद करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज मैं बात करूंगी कि जब आप अपनी होली की शुरुआत कर रहे हैं, चाहे वो होली की शुरुआत आपके रंग अबीर लगाने से हुई या फिर होली के पकवान बनाने खाने से हुई, तो उसमें आपको किस प्रकार करना चाहिए। एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि जब आप अपनी छोटी बड़ी खुशियों से पूर्व भगवान को याद करते हैं तो वो भी निश्चित रूप से आपको जीवन में अकेला नहीं छोड़ते हैं और वो भी आपको याद करते हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि होली एक बहुत बड़ा त्यौहार है और जो लोग होली मनाते हैं वो काफ़ी जो है हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जो लोग का होली मनाते ही हैं लेकिन जिनके घर में सूतक वगैरह की स्थिति होती है वो नहीं मना पाते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, इस साल नहीं मनाएंगे तो अगले साल मना लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। ऐसी जो समस्याएँ हैं, मानव शरीर है तो आता ही रहता है। तो मैं बात कर रही थी कि होली की शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब आप अपने घर में होली के पहला पकवान जब आप बनाते हैं तो सबसे पहले आपको भगवान को भोग लगाना चाहिए। अब आपके इष्ट देव जो भी हो उनको ज़रूर भोग लगाएं। और ये बात मैं यही नहीं कर रही हूँ कि आप होली पे ही लगाएं, जैसे घर में बहुत सारा ऐसा परिवार अभी भी होगा मेरी समझ से कि जब सीजन की कोई नई सब्जी आती है या फिर कुछ उनके घर में नया आता है तो वो सबसे पहले भगवान का अंश निकालते हैं, हिस्सा निकालते हैं, फिर ही उस जो नई चीज़ आई है उसको परिवार वाले ग्रहण करते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है। सनातन धर्म में बताया गया है कि हमको अपने भोजन से पूर्व तीन जीवों का पेट ज़रूर भरना चाहिए, जो कि मैं आपसे अक्सर बात करती रहती हूँ। गाय, कुत्ता और गौरैया, यानी पक्षियों के लिए दाना पानी डालिए, गाय के लिए रोटी निकालिए, कुत्ते के लिए रोटी निकालिए, और अपना जो भोजन है उस भोजन को करने से पूर्व आप अपने प्रभु को याद कीजिए, उनको भोग लगाइए। तो जो लोग भी गोपाल जी की सेवा करते हैं उनको भोग लगाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर जो लोग नहीं प्रतिदिन ये काम करते हैं, वो कम से कम कोई बड़ा त्यौहार है या फिर बड़ी कोई पूजा है तो उस समय वो अपने प्रभु को जो भोजन है वो शुद्ध बना करके और उनको भोग अवश्य लगाएं। ये भगवान के प्रति हमारा समर्पण है और ऐसा करना ही चाहिए। कोई आवश्यक नहीं है कि हम रोज की वस्तुएं जो हम भोग लगाते हैं वही भगवान को लगाएं। जो त्यौहार आते हैं उन पे हम भगवान के लिए जो भी चीज़ें अपने खाने के लिए बनाते हैं उसको शुद्ध सात्विक तरीके से बना करके और भगवान को भोग जरूर लगाएं। वही बात हो गई कि जब आप रंग अबीर लगाते हैं तो जैसे मान लीजिए कि होली के दिन जब आप अपनी होली खेलें, उससे पूर्व जो है स्नान वगैरह करेंगे ही आप, क्योंकि आप को सुबह की पूजा संपन्न करनी है। तो जब आप पूजा पाठ करेंगे तो आप एक फूल ले लें, जो फूल आप चढ़ाते हैं, या फूल नहीं है तो आप कोई कॉटन का कपड़ा ले लें, उससे भगवान को अबीर, गुलाल, रंग जो भी आप खेलेंगे वो भगवान को ज़रूर समर्पित करें। ऐसा करने से दोस्तों भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता जो है प्रगाढ़ होता है। और ये एक बार फिर बोल रही हूँ कि ये सिर्फ होली को ही ना करें, आप अपने जीवन की कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप करें। जैसे महिलाएँ हैं, सुहागन हैं, तो अगर आपने कोई नया गहना, ज्वेलरी लिया, जैसे मंगलसूत्र हुआ, कोई भी गहना लिए, तो आप सबसे पहले वो माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को समर्पित करें, या फिर अगर राधा कृष्ण के भक्त हैं तो राधा रानी को समर्पित करें और फिर आप उस गहने को धारण करें। दोस्तों यकीन मानिए कि उस गहने में या फिर उस जो भी आपने भगवान को समर्पित किया उसमें भगवान का आशीर्वाद जो है वो आप उस वस्तु के माध्यम से आप तक पहुँच जाता है। तो ये बातें जो है बहुत अधिक ध्यान देने वाली है। और जो भी व्यक्ति इस प्रकार से समर्पण अपने इष्ट देव के प्रति करता है, निश्चित रूप से जीवन में उसको किसी दुख का जो है बहुत बड़े दुख का भाजन नहीं बनना पड़ता। ये तो नहीं कहूँगी कि मानव जीवन है तो उसमें तकलीफ नहीं आएगी, मानव जीवन ही है ऊंच नीच, दुख और सुखों का, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कोई बहुत बड़ा जो विपदा आ जाती है उस प्रकार की विपदा से आप बचे रहेंगे, क्योंकि हमेशा आपका हाथ जो है भगवान के हाथ में रहेगा और आप भगवान के नज़दीक होने का हमेशा आपको आभास होता रहेगा। तो इस प्रकार के कार्य जो है आप करते रहें।
दोस्तों वैसे ही एक चीज़ देख लीजिए कि किसान की जब पहली फसल होती है तो उसमें से कुछ हिस्सा लेकर के वो प्रभु को समर्पित जरूर करते हैं। तो चाहे उस भोजन से जो पहला भोजन बना घर में खाने के लिए उसको समर्पित करते हैं, या फिर उस भोजन का एक हिस्सा यानी थोड़ा सा, जैसे आधा एक किलो अनाज वो बेच करके उससे कुछ प्रसाद ले आकर के भगवान को समर्पित करते हैं। तो ये क्या होता है, ये भगवान के प्रति समर्पण होता है कि प्रभु जो हमने अपनी पहली, चाहे हमारी वो कमाई हुई खेती से या फिर जो भी चीज़ हो, मेरे कहने का मोटे तौर पे सिर्फ यही अर्थ हुआ कि जो भी चीज़ हम अपने लिए पहले करते हैं उससे पूर्व अगर हम भगवान के लिए कर सकें तो ये बहुत अच्छा होता है। तो वैसे ही ये बड़ा त्यौहार है, होली खेलने से पहले अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सर्वत्र शुभ ही शुभ हो, सब मंगल हो, तो सबसे पहले एक फूल उठाएँ और अपने मंदिर में भगवान हैं आपके जो भी इष्ट देव हैं उनको भी रंग अबीर चढ़ाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे जीवन में भी इसी प्रकार के रंग और उत्साह की वृद्धि होती रहे। तो ऐसा बोल करके आप भगवान के साथ होली खेलें, फिर आप अन्य जनों के साथ जो है होली खेल सकते हैं और इसी तरह आपका जीवन मंगलमय होगा और भगवान जो है आपके साथ जो है हमेशा रहेंगे, ऐसा आपको एहसास होता रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।